हाय बसवेश्वर जी तथा वीरांगना महासती अंबिका गंगाम्बिका का चरित्र कहने के बाद नीलांबिका जी की कहानी कहना जरूरी है। वैसे इन तीनों की जिंदगी एक दूसरे से इतनी जुड़ी हुई है कि इनके जीवन में घटने वाली घटनाएं वही वही होगी, लेकिन मूलभूत प्रवृत्ति अलग अलग होने से उनमें थोड़ा थोड़ा फर्क जरूर होता है। इसमें शक नहीं कि गंगाम्बिका से नीलांबिका अधिक मशहूर तथा लोकप्रिय थी, इसीलिए अनेक वचनों में तथा लोकगीतों में नीलांबिका जी का नाम अधिक आया है। तो आज से मैं महान साध्वी नीलांबिका की कहानी पढ़ रही हूँ, सुनिए। महान साध्वी नीलांबिका। राजा पेरमाड़ी रानी और उनके दो पुत्र युवराज बिज्जल और राजकुमार कर्णदेव के साथ अर्थमंत्री सिद्धरस की पुत्री को देखने के लिए उनके महल में आए थे। मंत्री पत्नी पद्मगंधी को कन्या रत्न प्राप्त हुआ था। राजा पेरमाड़ी और अर्थमंत्री सिद्धरस में मित्रता थी। छुटकी बच्ची को देखते ही युवराज बिज्जल ने उसकी आंखों पर उंगली रखकर हंसने लगे। सिद्धरस: युवराज, बच्ची का नाम क्या रखेंगे? युवराज बिज्जल: नील लोचना। पद्मगंधी: वाह, कितना सुंदर और सार्थक नाम है। सभी को वह नाम बहुत अच्छा लगा और नवजात बालिका का नाम नील लोचना ही रखा गया। शिक्षा: नील लोचना बड़े होने लगी। सिद्धरस जी के महल के बाजू के महल में ही उनके ज्येष्ठ बंधु महा अमात्य बलदेव रस जी रहते थे। उनकी उनकी पुत्री गंगाम्बिका और नीलांबिका नील लोचना से केवल एक महीना बड़ी थी। कभी नील लोचना गंगाम्बिका के महल में रहती थी तो कभी गंगाम्बिका नील लोचना के साथ रहने आती थी। दोनों की शिक्षा एक साथ शुरू हुई। दोनों को संस्कृत, कन्नड़ साहित्य, काव्य, संगीत, वाद्य वादन आदि सिखाया जाने लगा। नील लोचना की आवाज बहुत मधुर थी। उसे संगीत में विशेष रुचि थी। इसी कारण उसे स्वर ज्ञान भी जल्दी हो गया। वह तंतु वाद्य जल्द ही सीख गई। इतना ही नहीं, वह उस पर गीत बजाने की सफल कोशिश भी करती थी। संस्कृत श्लोक या कन्नड़ गीतों को वह संगीतबद्ध करके अपने मधुर स्वर में तन्मय होकर गाती थी। अपनी संगीत रचना वह गंगाम्बिका को गाकर सुनाती थी। गंगा भी उस स्वर सागर में खो जाती थी। इस तरह नील लोचना विद्यावान संस्कृत पंडिताइन, गान कोकिला विद्या प्रवीणा, वाद्य प्रवीणा हो गई थी। वह कलाकार होने से कोमल हृदयी, दयालु भावजीवी, मितभाषी और सज्जन सौजन्य मूर्ति थी, जबकि गंगाम्बिका भी यही सारी विद्याएं सीख रही थी। फिर भी उसे उनमें विशेष रुचि नहीं थी। उसे शस्त्र विद्या, घुड़ दौड़ इनमें रुचि थी, अतः वह इन विद्याओं को भी सीख रही थी। नील लोचना गाने में तन्मय होती थी तो गंगाम्बिका शस्त्र विद्या में तन मन भूल जाती थी। दोनों की मूलभूत प्रवृत्ति में ऐसा फर्क था। वर संशोधन: राजा पेरमाड़ी वृद्ध हुए थे। अब वे जान गए कि उनका अंतिम समय नजदीक आ गया है, तो उन्होंने सिद्धरस और पद्मगंधी को बुलाकर अपने दोनों पुत्रों को यानी बिज्जल और कर्णदेव को उन्हें सौंप दिया। इसके कुछ दिनों बाद ही वे निश्चिंत होकर शिवैक्य हो गए।
युवराज बिज्जल और कर्णदेव नील लोचना के साथ उनके महल में रहने पलने लगे थे। अर्थमंत्री और उनकी पत्नी पद्मगंधी उन्हें पुत्रवत प्यार करते थे। उन दोनों की शिक्षा व्यवस्था पूर्ववत चलती रही। नीला और गंगा बड़ी होने लगी तो उनके माता पिता को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। उन्हीं दिनों कुड़ल संगम में स्थित सुप्रसिद्ध आश्रम में पदवीदान समारोह में महाअमात्य बलदेव रस जी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। बलदेव रस जी ने पुत्री गंगा और भतीजी नीला को साथ लेकर अपने दास दासी और कुछ सैनिकों को साथ लेकर कुड़ल संगम के लिए प्रस्थान किया। उनका विचार पुत्रियों के लिए वर संशोधन करने के लिए यह एक बहुत बड़ा सुअवसर था। बलदेव रस जी का काफिला आलमट्टी के पास आया तो पास के जंगल से कुछ डाकुओं ने उन पर हमला बोल दिया। डाकुओं को देखते ही दास दासियों ने डोली नीचे रखकर आसपास की झाड़ियों में जाकर छुप गए। हमला अचानक हुआ था तो सैनिक हक्के बक्के रह गए। महाअमात्य बलदेव रस जी तलवार निकालकर उनसे लड़ने लगे। गंगा और नीला ने डोली का पर्दा बाजू करके देखा और गंगा आवेश से तलवार लेकर नीचे उतरने लगी। तभी नीला ने उसे रोका। कोमल हृदयी नील लोचना बहुत घबरा गई थी। उसकी काया हवा से झूलने वाले लताओं के पत्तों के समान कांप रही थी। मुख सफेद पड़ा था। उसकी पूरी काया पसीने से तर बतर हो गई थी। वह यह देखकर गंगा उसे धीरज देने लगी। इतने में उसका ध्यान बाहर गया और तलवार के साथ वह बाहर कूदकर उसने डोली के पास आए एक बलदंड ऊंचे पूरे काले बलिष्ठ डाकू का मुंड एक ही वार में उड़ा दिया। यह देखते ही नील लोचना बेहोश हो गई। गंगाम्बिका को रणचंडी के आवेश में देखकर सैनिकों में भी आवेश भर गया और वे प्राणपण से लड़ने लगे तो सरदार को गिरते देखकर डाकुओं का मनोबल गिर गया और वे जंगल में भाग गए। गंगा और बलदेव रस जी डोली के पास गए तो देखा कि नील लोचना बेहोश। डाकुओं के भाग जाने पर दास दासियां डोली के पास आ गए। नीला के मुख पर पानी के छींटे मारकर हवा करने से उसे होश आ गया। दोड्डप्पा और गंगा को सकुशल देखकर उसकी जान में जान आ गई। फिर भी इस हादसे से उबरने में उसे 2 दिन लगे। धन्यवाद।